हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर मैं विष्णु दत्त शर्मा एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और बाकी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए भारतीय इतिहास और संस्कृति से रिलेटेड जितने इम्पोर्टेंट एम हैं वो डिस्कस करने वाला हूँ और फ्रेंड्स जो ये मैं यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आता हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काफ़ी सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और ये बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं इसलिए इनको बिल्कुल ध्यान से देखिए और आगे भी जितने भी अभी एग्जाम्स आने वाले हैं उन सभी में भी इनके पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है और फ्रेंड्स जिन स्टूडेंट्स के पहले से ही अच्छी तैयारी है वो भी एक बार इन क्वेश्चन को ज़रूर देख लीजिए और चेक कर लीजिए कि आपको इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन पहले से आते हैं और फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा अगर आप चैनल पर नए आए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ऐसा करने से आपको हमारे डेली वीडियोज़ डेली जो अपडेट्स मैं यहाँ पर लाता हूँ उन सभी के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप किसी भी इम्पोर्टेंट वीडियो इम्पोर्टेंट अपडेट को मिस नहीं कर पाएंगे तो फ्रेंड्स देखते हैं आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए चार ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें वेद का अंग कौन सा है चार ऑप्शन दे के फिर ऑप्शन में पूछा गया है कौन सा इनमें वेद का अंग है जो पुराने हमारे वेद होते थे उनका अंग कौन सा है तो सही आंसर होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए एक दो और तीन जो एक है संहिता है ब्राह्मण है और अर्णक है ये तीनों जो है वेदों के पाठ हैं हमारे जो प्राचीन काल में वेद थे उनके पाठ हैं जो उपनिषद है वो वेद का पाठ नहीं वो अलग से हमारी बुक्स होती थी जैसे धार्मिक बुक है वेद उसी तरह उपनिषद भी अलग से बुक थी तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कृषि क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी का सबसे जो बड़ा योगदान है सॉरी और निम्नलिखित में से कौन सा रहा चार ऑप्शन दिए गए हैं पूछा गया है जो कृषि का क्षेत्र जो एग्रीकल्चर का प्रशासन था उसमें अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सबसे बड़ा योगदान सही आंसर होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए वह किसान को राज्य के साथ सीधे संपर्क में लाया जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उन्होंने जो है किसान और राज्य के बीच में सीधा संपर्क जो है स्थापित किया था सही आंसर होगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन चौदह में जो बहमनी राज्य का दौरा करने वाला पहला यात्री था सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो अथनेसियस निकितिन हैं वो सबसे पहले बहमनी राज्य का दौरा करने वाले यात्री थे ओके चौदह सौ सत्रह में ये इन्होंने दौरा किया था नेक्स्ट भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था सही आंसर होगा ऑप्शन सी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हैं जो वो भारत में सूफीवाद के संस्थापक थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था सही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी धर्मपाल है जो वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे फाउंडर थे सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था सही आंसर होगा ऑप्शन ए नंद जो नंद वंश के शासक थे तो जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय पे ये भारत के जो है मगध के शासक थे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नीचे नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक कथन है और एक है जो उसका कारण दिया गया है तो हमें बताना है कि कथन और कारण में कौन से सत्य हैं या असत्य हैं और जो कथन है वो क्या कारण जो है कथन का सही कारण है कि नहीं जो दिया गया है यहाँ पर स्टेटमेंट में सबसे पहले कथन पढ़ते हैं शक संवत का जो आरंभ है वो अठहत्तर ए से माना जाता है फिर दूसरा कारण है कनिष्क ने महायान संप्रदाय की स्थापना अठहत्तर ए में की थी तो देखते हैं सही आंसर होगा इसके रिस्पेक्ट में ऑप्शन सी ए है जो वो सत्य है किंतु आर असत्य है जो एसर्सन यानी कथन दिया गया है वो सत्य है यानी शक संवंत का जो आरंभ है वो सेवनटी एट ए डी यानी अठहत्तर ए डी में किया गया है लेकिन कनिष्क ने जो महायान संप्रदाय की स्थापना की थी ये जो वाक्य है ये गलत है तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा तो फ्रेंड्स ऐसे कथन और जो कारण है उसके जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहे हैं इनकी प्रैक्टिस भी करके जाना एग्जाम में नेक्स्ट एथ क्वेश्चन निम्नलिखित में किस भाषा में दलित साहित्य अधिक उजागर हुआ सही आंसर होगा ऑप्शन सी मराठी मराठी भाषा में जो है दलित साहित्य सबसे अधिक जो है विकसित हुआ था निम्नलिखित में से कौन सा अवश्यमेय एकल नृत्य है सही आंसर होगा ऑप्शन डी जो मोहिनीअट्टम है वो एक ऐसा है जो एकल नृत्य है जो एक व्यक्ति के द्वारा ये अवश्य किया जाता है सही आंसर होगा ऑप्शन डी पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है सही आंसर होगा ऑप्शन सी शास्त्रीय गायन है जो उससे पंडित भीमसेन जोशी संबंधित है मोहिनीअट्टम नृत्य विकसित हुआ सही आंसर होगा ऑप्शन डी केरल में केरल में मोहिनीअट्टम जो नृत्य है वो विकसित हुआ वहाँ पर डेवलप हुआ श्री पेराम्बूदुर जो दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर है जन्मभूमि है चार ऑप्शन दिए गए हैं पूछा गया किन की जन्मभूमि है ये सही आंसर होगा ऑप्शन बी रामानुजाचार्य की जन्मभूमि है जो श्री पेराम्बूर जो है दक्षिण भारत में है मंदिरों का शहर भी बोला जाता है ईस्वी संवत की जो पाँचवीं सदी है उसमें जन्मे हुए आर्यभट्ट थे जो आर्यभट्ट थे जो इनका जन्म पाँचवीं सदी में हुआ था वो क्या थे एक चार ऑप्शन में से पूछा गया सही आंसर देखते हैं सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी ये एक प्रसिद्ध गणित शास्त्री और खगोलवेता थे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पल्लव राजाओं की राजधानी थी सही आंसर होगा ऑप्शन सी कांचीपुरम जो कांचीपुरम है वो पल्लव वंश के राजाओं की राजधानी थी दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे सही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्वामी शिवानंद हैं जो वो दिव्य जीवन संघ के संस्थापक फाउंडर थे किनके शासनकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए आजाद अजातशत्रु के शासनकाल में जो वर्धमान महावीर हैं और, और गौतम बुद्ध हैं दोनों ने अपने सिद्धांतों के अपने प्रिंसिपल्स के प्रवचन दिए थे सात पगोडा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर बनाने वाले थे सही आंसर होगा ऑप्शन सी पल्लव जो पल्लव वंश के शासक हैं उन्होंने सात पगोडा के नाम से प्रसिद्ध मंदिर बनाए थे जो पत्थर काट के बनाए गए थे निम्नलिखित में थी, थी तमिल निम्नलिखित तमिल विद्वानों में से कौन राजवंशी था सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी जो एलंगो थे वो तमिल विद्वान थे जो कि राजवंशी थे जो राजवंश से संबंधित थे वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार था सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी व्यवसाय है जो प्रोफेशन है लोगों का व्यवसाय था जो वो वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार था इसके बेस पर ही सामाजिक विभाजन किया गया था दक्षिण भारतीय द्वीप कल में जो द्राविड़ियन पत्ती के स्थापत्य और शिल्प का प्रारंभ है जो वो करने वाले थे तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो पल्लव वंश के राजा हैं पल्लव वंश के शासक थे उन्होंने दक्षिण भारत में द्राविडियन पत्ती के जो स्थापत्य है वो प्रारंभ किया था निम्नलिखित में कौन विजयनगर राज्य का संस्थापक था तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी हरिहर और हरिहर और, और बुक्का भी थे दूसरे तो हरिहर ऑप्शन में दिया तो सही आंसर ऑप्शन डी इन्होंने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी फाउंडेशन रखी थी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी टू ईस्वी शताब्दी की ग्यारहवीं सदी के चील चित्रकाम जिस विख्यात शिव मंदिर से खोजे गए वह है तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी तंजावुर जो तंजावुर का शिव मंदिर है उससे जो फेमस प्रसिद्ध चील चित्रकाम के जो चित चित्र हैं वो पाए गए वहाँ पर खोजे गए तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन को देख के पता चल रहा होगा कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासन को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था सही आंसर होगा ऑप्शन डी जो सेल्यूकस थे वो ग्रीक शासक थे जिनको चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था गीत गोविंद गीत काव्य के कवि कौन है तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी जयदेव जो जयदेव हैं वो गीत गोविंद गीत काव्य के कवि हैं उन्होंने ये लिखा है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दक्षिण भारत के अलवार थे सही आंसर होगा ऑप्शन सी संत जो दक्षिण भारत के अलवार लोग थे वो संत थे तमिल में संगम कार्य ठहराए जाते हैं सही आंसर होगा ऑप्शन ए ईस्वी शताब्दी की प्रारंभिक सदियों में जो तमिल के संगम कार्य हैं वो ईस्वी शताब्दी के प्रारंभिक सदियों में ठहराए जाते हैं या वहाँ पे वर्णित हैं उसमें बताए गए थे ए मेरे वतन के लोगों आंख में भर लो पानी गीत लिखा गया काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार रिपीट हुआ एग्जाम में सही आंसर होगा ऑप्शन सी कवि प्रदीप के द्वारा जो ये गीत है ए मेरे वतन के लोगों आँख में भर लो पानी ये लिखा गया है गुलबदन बेगम क्या थी इनमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से क्या क्या थी गुलबदन बेगम के बारे में ये वर्णन किया गया है और फिर ऑप्शन में पूछा गया कौन कौन से इनमें से उनके बारे में सत्य हैं सही है तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन जो है वो होगा सी दो और चार हैं जो वो सही है और दो और चार में देखते हैं जो गुलबदन बेगम थी वो एक तो हमायूँ नामा की लेखिका की थी उन्होंने जो हमायू नामा नाम की पुस्तक है जो कि हमायूँ थे मुग़ल शासक हमायूं थे उनकी लाइफ के बारे में ये बुक है और दूसरा है जो चार हुमायूं की बहन थी और ये हुमायूं की बहन थी तो गुल जो गुलबदन बेगम है वो हुमायूं की बहन थी उन्होंने नामा नाम की बुक भी लिखी थी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई क्वेश्चन बनते हैं इसमें से आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं ऋग्वेद काल के देवता हैं सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंद्र और अग्नि जो इंद्र और अग्नि देवता हैं वो ऋग्वेद रिग्वे, ऋग्वेद काल के मुख्य देवता थे नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी वह थी सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए जो आमरपाली थी वो एक बौद्ध भिक्षुणी थी सॉरी जो गणिका थी वो बौद्ध भिक्षुणी बनी थी महात्मा बुद्ध के प्रभाव से उनसे काफ़ी प्रभावित होकर इन्होंने बौद्ध भिक्षु पने जो वो ग्रहण कर लिया था पुराणों की संख्या है सही आंसर होगा ऑप्शन बी अठारह जो पुराण है वो संख्या में उनका नंबर है जो अठारह है कुल पुराण अठारह है भारत में खरोय लिपि को किसने स्थापित किया सही आंसर होगा ऑप्शन डी ईरानियों ने ईरानियों ने है जो भारत में खरोय लिपि को स्थापित किया था उन्होंने इस लिपि का सबसे पहले प्रयोग किया था बीरबल का असली नाम था सही आंसर होगा ऑप्शन सी महेश दास जो महेश दास है वो बीरबल का असली नाम था बीरबल उनका जो है उनके नाम से वो प्रसिद्ध थे लेकिन महेश दास उनका असली नाम था काफ़ी इंपॉर्टेंट कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन एग्जाम्स में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वह है पहला किला जो शिवाजी ने जीता था उसका नाम था तो सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए तोरण का किला तो फ्रेंड्स यहाँ पे रायगढ़ के किले के साथ जो है कंफ्यूज नहीं होना है तोरण का किला पहला किला था जिसको शिवाजी ने जीता था राष्ट्रीय राष्ट्रीय गान जनगण मन के प्रणेता थे जो राष्ट्रीय गान है हमारे देश का जनगण मन अधिनायक जय है उसको किन्ने लिखा था सही आंसर होगा ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर तो फ्रेंड्स बंकिम चंद्र चटर्जी हैं जो उन्होंने हमारा राष्ट्रीय जो है गीत लिखा था वंदे मातरम तो इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल ध्यान से इन क्वेश्चन को करना है बर्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है जो बर, सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सुचिंद्रम जो सुचेन्द्रम शहर है वो तमिलनाडु में है और वहाँ पर जो बर्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर स्थित है हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया था हैदर अली जो मैसूर के काफ़ी प्रसिद्ध शासक हुए हैं उनका जो शस्त्रागार था वो कहाँ पर स्थापित किया गया था सही आंसर होगा ऑप्शन डी डिंडीगुल नामक स्थान पर इन्होंने अपना शस्त्रागार स्थापित किया था हड़प्पा की संस्कृति सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है चार स्टेटमेंट चार वाक्य दिए गए हैं पूछा गया जो हड़प्पा संस्कृति थी उसके बारे में सही वाक्य बताइए सही आंसर होगा ऑप्शन सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था जो हड़प्पा संस्कृति के लोग थे उन्होंने पशुपति हैं जो भगवान उनका सम्मान करना शुरू किया था काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैनियों को पहले तीर्थंकर कौन थे जो जैन धर्म के लोग थे उनके सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी ऋषभ देव और कुल जो है चौबीस जैन धर्म के तीर्थंकर हुए हैं सबसे जो लास्ट थे चौबीसवें वो थे जो भगवान महावीर स्वामी थे और जो तेईसवें थे वो परसवनाथ थे तो सबसे पहले ऋषभ देव काफ़ी इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था जो भारत के लोग हैं उनके लिए जो एक काफ़ी फेमस है सिल्क मार्ग के नाम से एक रूट था वो किसने शुरू करा था सही आंसर होगा ऑप्शन ए कनिष्क ने कनिष्क ने सिल्क मार्ग की शुरुआत की थी यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी सही आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी देवगिरी जो देवगिरी महाराष्ट्र में है वो यादव सम्राटों की राजधानी थी चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया सही आंसर होगा ऑप्शन सी सैव धर्म है जो उसको चोल राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया था विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ राजस्थान में विजय स्तंभ स्थापित है काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन उपनिवेश काल में पहली जो सहायक संधि है निम्नलिखित में किसके साथ की गई जो हमारा ब्रिटिश काल था उपनिवेश काल था कॉलोनियल इरा बोलते हैं इसको इंग्लिश में उसमें जो सहायक संधि की गई थी सबसे पहले किसके साथ की गई सही आंसर होगा ऑप्शन सी हैदराबाद के साथ सबसे पहले सहायक संधि की गई थी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौटिल्य ने रचना की कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थशास्त्र है जो बुक अर्थशास्त्र इनकी पुस्तक है जिसकी कौटिल्य ने रचना की थी अमीर खुसरो किसके शिष्य थे सही आंसर होगा ऑप्शन सी शेख निजामुद्दीन ओलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो और काफ़ी ये पोएट हुए हैं काफ़ी फेमस बहुत से राजा हैं जिनके काल में ये पोएट हुए भारत के लाल किले का निर्माण करवाया था सॉरी दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था जो दिल्ली में लाल किला उसका निर्माण किसने करवाया था सही आंसर होगा ऑप्शन बी शाहजहाँ ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया था काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर सैयद अहमद खान संस्थापक थे सही आंसर होगा ऑप्शन ए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ए है उसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे जो दिल्ली है उसके जो सबसे लास्ट में सबसे अंतिम मुगल बादशाह कौन थे सही आंसर होगा ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर है जो वो दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है खालसा पंथ के संस्थापक थे सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक थे फाउंडर थे तो गुरु नानक देव के साथ जो है कन्फ्यूज़ नहीं होना है ये स्थापना खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स हमने आज यहाँ पर फिफ्टी एम डिस्कस कर लिए और जो बाकी नेक्स्ट फिफ्टी एम सी वो मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगा आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको काफ़ी पसंद आए होंगे और, लिए और friends, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होंगे और फ्रेंड्स जो मैं यहाँ पर डेली आपके लिए वीडियोज़ लेकर आता हूँ डेली क्वेश्चन लेकर आता हूँ अगर आपको वो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कीजिए और हमारी डेली क्लासेज डेली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ऐसा करने से आपको हमारी डेली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप एक भी इम्पोर्टेंट अपडेट एक भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो को जो है मिस नहीं कर पाएंगे तो फ्रेंड्स आज के इन इंपॉर्टेंट एम के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे एम और अच्छे क्वेश्चन और अच्छे टॉपिक्स के साथ तो फ्रेंड्स थैंक यू